अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको समर कलेक्शन दिखाऊंगी अपने बेबी की। सबसे पहले आप बेबी को देख के माशाल्लाह 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 कहें। ये जो मेरा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ का हो गया है, इसकी जो बर्थ वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी जो शॉपिंग है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, समर की पहली शॉपिंग। गर्मियों की मैंने कुछ कपड़े लिए हैं कैजुअल, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी मैंने इसके ड्रेसेस बाय किए थे वो सब साइजेस इसको छोटे हो गए, तो अब मैंने बड़े साइज़ के कुछ कपड़े लिए हैं। वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से जो है वो इसकी शॉपिंग की है, जिसका मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और साथ ही अपने कपड़ों को भी देख रहे हैं। माशाल्लाह से बच्चों को बड़े होते हुए टाइम भी नहीं लगता, और इतने छोटे बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है, तो कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबी की जो मैंने शॉपिंग की थी उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगी, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। मैं अपने शॉपिंग से अपना एक्सपीरियंस किसी भी तरह का हो, शॉपिंग से रिलेटेड या घर से रिलेटेड जो भी हो, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जो पहला ड्रेस है ये ट्राउज़र शर्ट था। ट्राउज़र मुझे वैसे भी बॉयज़ के कलेक्शन में बहुत पसंद है और बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि समझ लें कि बिल्कुल ईजी होता है। ये मैंने जो है वो नॉर्मल बच्चे को पहना के लिए, ज़्यादातर रात में ना इस तरह के ट्राउज़र बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे इजी रहते हैं कंफर्टेबल रहते हैं, तो मुझे पसंद था। तो मैंने ब्लैक और येलो का कंट्रास्ट भी अच्छा था, तो एक ड्रेस मैंने वो बाय किया था। अच्छा, इनका ये होता है कि इनकी पैंट्स, ये देखे पैंट्स बड़ी हैं लेकिन शर्ट जो थी वो बिल्कुल इसके साइज़ की थी। और सेकेंड जो था ये था सूट था जीन्स का, और इसके साथ ये मोबाइल भी बना हुआ था, बड़ा प्यारा खूबसूरत था। इसका कलर कॉम्बो भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये साइज़ इसको समझ लें कि बहुत मतलब फिक्स था बिल्कुल, एक मंथ ये इसको शर्ट पूरी आनी थी, एक मंथ के बाद जो है वो इसको छोटा हो जाना था, क्योंकि छोटे 1, 2, 3 तकरीबन मैं समझती हूँ 4-5 साल तक बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है कि उसके कपड़े जूते छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप फिक्स साइज़ के ना लिया करें, 1-2 मंथ बड़ा। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है तो आप 8 साइज़ तक ना लें, मतलब 8 मंथ तक लें, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा फिक्स कपड़े भी जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे से लगते हैं। और एक ये वाली जो शर्ट थी ये बड़ी प्यारी सी थी, इसका कलर भी मुझे बड़ा लाइट डिसेंट सा लगा था, और इसका जो टेडी बियर बना था ये बड़ा ही खूबसूरत था। तो इसलिए दो जो थे वो जीन्स में हो गए थे लाइट डार्क, मतलब मैंने सब कलर्स कोशिश किया डिफरेंट कलर्स हों, येलो था, ऑरेंज, ये पीछे एक छोटा सा बैग बना हुआ जिप वाला बड़ा खूबसूरत था, और ये वाला एक ड्रेस ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसकी जो पैंट है बहुत लाइट वेट है, मतलब ना बिल्कुल ट्राउज़र की तरह की इसकी पैंट है। अच्छा, ये जितनी भी ये जीन्स हैं ये हैवी वाली जीन्स नहीं हैं जो बड़े बच्चों की होती हैं, ये बिल्कुल लाइट वेट जीन्स हैं, ठीक है। बच्चे को पहनने में ईजी होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर नॉर्मल घर में बच्चों के लिए ना ट्राउज़र ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बाकी ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं, मतलब मैंने ये ना लोकल मार्केट से बाय किया और 800 मतलब बार्गेनिंग वगैरह करके 800 समथिंग तक मुझे ये एक ड्रेस मिल गया था। तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे हैं, मतलब इतने आप पहना सकते हैं, घर में भी पहना सकते हैं और बाहर भी इनको इजीली पहना सकते हैं। बस बच्चों के लिए ऐसे कपड़े लिया करें जो कंफर्टेबल हों, बच्चे जिसमें कंफर्टेबल हों, आप भी उनको उठाने में जो है कैरी करें। अभी भी देखे जो मेरे ये बेबी ने शर्ट पहनी हुई थी वो उसको छोटी हो गई थी, तो इसकी सारी बैली नज़र आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा शरारती हो गया है बहुत ज़्यादा। और इसकी बस हो चुकी थी क्योंकि मामा शॉपिंग दिखा रही थी और इसको भूख लगी थी, अब इसने सोना भी था। और माशाल्लाह कि ये बेबी को देख के बच्चे बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों से ही सारी रौनक होती है। इसके जितने भी व्लॉग्स और वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर आप देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।